So as a life coach and NLP practitioner, मैं रोज़ इतने लड़कों और लड़कियों से मिलता हूँ और उनका एक ही ज़्यादातर सवाल होता है विच इज़ अबाउट ब्रेकअप्स की. और ये जो लड़के लड़के हैं दे आर रीजनेबली फिट, इनकी बहुत अच्छी फिजीक है, ये यू नो दो दो तीन तीन घंटे रोज जिम में टाइम स्पेंड करते हैं एंड दे हैव एवरीथिंग गोइंग फॉर देम, सब कुछ है इनके पास, यू नो दे हैव अ ग्रेट बॉडी, दे हैव ग्रेट लुक्स, अच्छी फैमिली, सब कुछ. बट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द रिलेशनशिप उनको कुछ समझ नहीं आता क्या करें. और ऐसे ऐसे केसेस की दे वॉन्ट टू यू नो कमिट सुसाइड कि यार मुझे, मेरा तो उसके साथ ब्रेकअप हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा सर इस लड़की ने, यू नो मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ, मुझे आप बताओ मैं क्या करूँ, कैसे करूँ. अब प्रॉब्लम ये है ना कि हम जिम में जाके अपनी अपने अपने बॉडी को तो ट्रेन कर लेते हैं बट माइंड को नहीं ट्रेन कर पाते, बिकॉज हम हैवी से हैवी लोड जिम में उठा रहे हैं, चाहे वो बेंच प्रेस हो, सारी कंपाउंड एक्सरसाइजेज हो, लेकिन माइंड को लेके आप जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स को भी मिलेंगे दे आर वेरी वीक. वो रिलेशनशिप्स के साथ डील नहीं कर सकते, वो लोगों के साथ डील नहीं कर सकते, बिकॉज दे फील बहुत इमोशनल हो जाते हैं, वो लोगों से जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, लेकिन लोग ऐसे नहीं होते, यू नो एवरीबडी इज़ डिफरेंट. तो होता क्या है जब यू नो व्हेन देयर इज़ अ ब्रेकअप, आपको समझ नहीं आता आप कैसे उससे डील करें. और ज़्यादातर लोग उस ब्रेकअप से एक ही तरीके से डील करते हैं विच इज़ क्राइंग, बीइंग इमोशनल, सब कुछ, यू नो जैसे दिन दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाना, अपने कमरे में रहना, किसी से कोई बात नहीं करना, दोस्तों से कुछ नहीं, और या तो कई लोग अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं, किसी एडिक्शन में पड़ जाते हैं, किसी में कोई ड्रग्स में चला जाता है, कोई जिम छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है एंड दे वेट फॉर थिंग्स टू हैपन कि अब हमें नहीं जीना, राइट. और आजकल तो मूवीज़ का भी काफ़ी प्रभाव है, राइट, नो थैंक्स टू कबीर सिंह एंड देवदास, ये वो, राइट. इसीलिए मैं कहता हूँ गाइस कि व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, आपकी कंप्लीट माइंड और बॉडी फिटनेस होनी चाहिए. एक अच्छी फिजिक के साथ एक स्ट्रॉन्ग माइंड होना बहुत ज़रूरी है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाले. तो इस वीडियो में मैं आपको आज वही बताने वाला हूँ कि हाउ टू गेट ओवर अ ब्रेकअप इन 15 मिनट्स. आप एक ब्रेकअप से कैसे 15 मिनट के अंदर बाहर आ सकते हो अगर आप ये प्रैक्टिस करो तो. 15 मिनट में होगा नहीं, लेकिन अगर 15 मिनट आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे विद इन अ वीक और 10 डेज यू विल स्टार्ट फीलिंग अ लॉट बेटर. ये मैंने अपने पे ट्राई किया है, काफ़ी लड़के लड़कियों पे ट्राई करा है, बिकॉज आई रिकमेंड दिस टू लॉट मेनी पीपल और ये काम करता है. और यही सारी टेक्निक्स मैं अपने 27-day ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में भी रिकमेंड करता हूँ, इनकरेज करता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ कि आप अपने माइंड को कैसे स्ट्रांग करो यार, बिकॉज अगर आपका माइंड स्ट्रांग हो गया ना, बॉडी क्या कुछ भी लाइफ में आप अचीव कर लोगे. फिर आप एक इम्पॉसिबल ड्रीम देखोगे उसको भी पूरा करना जानते हो, बिकॉज आपका माइंड इतना स्ट्रांग है, इतना कंडीशन है. सो 27-day ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट जस्ट योर बॉडी, इट्स योर माइंड कि आप कैसे दुनिया के कोई भी रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, एडिक्शन हो, आप उससे बाहर कैसे आ सकते हो. नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, फ़ोन करो एंड सी हाउ मैं गोना हेल्प यू इन 27 डे. बॉडी तो ट्रांसफॉर्म करूँगा ही करूँगा, माइंड से भी बहुत शार्प कर दूँगा, ताकि आप चाहे वो इंटरव्यू क्रैक करना हो, जॉब का इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप्स हो, यू बिकम सक्सेसफुल. अब बात करते हैं हाउ टू गेट ओवर अ ब्रेकअप. अब जब भी ब्रेकअप होता है तो हम कई लोगों से बातें करते हैं कि सर क्या करूँ, कैसे करूँ, यू नो व्हाट डू आई डू. और ज़्यादातर हमें सिर्फ अपना दुखड़ा रोना आता है, यू नो वी हैव डन दिस कि यार उसने तो मेरे साथ ये किया, वो ऐसा था, वो ऐसी थी, राइट. फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद या एक दिन बाद हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, अगले दिन अरे यार मैं फ़ोन कर ही देता हूँ. आप फ़ोन करते हो, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता या करती, यू अगेन बैक टू स्क्वायर वन. और फिर आप यू नो यू स्टार्ट बेगिंग कि प्लीज़ टेक मी बैक, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी. बिकॉज ब्रेकअप्स कभी कहते हैं ना एक पॉजिटिव ब्रेकअप, देयर इज नो सच थिंग एज अ पॉजिटिव ब्रेकअप कि यार आपने भी ब्रेकअप करा, मैंने भी ब्रेकअप करा, चलो यार हैप्पी नोट, चलो मूव ऑन. ऐसा होता नहीं है. ब्रेकअप्स आर ऑलवेज मेसी, ब्रेकअप्स विल ऑलवेज ब्रेक यू आउट, कम्प्लीटली ब्रेक यू, बिल्कुल तोड़ देंगे. लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ आप टूट नहीं सकते और मैं आपको टूटने नहीं दूंगा, बिकॉज विद दिस टेक्निक यू कैन एक्चुअली गेट ओवर एनी थिंग इन लाइफ. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव गॉटन ओवर मैनी शॉक्स इन लाइफ, मैनी शॉक्स, यू नो राइट फ्रॉम यू नो अ पेरेंटल लॉस टू लॉट ऑफ ब्रेकअप्स इन माई लाइफ, बहुत चीज़ें गुजरती हुई. तो आई हैव अराइव्ड एट दिस स्टेज कि मैं अब लोगों को हेल्प कर सकता हूँ विद न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग विच इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ माइंड, कि आप अपने माइंड पर कैसे काबू पा के कुछ भी कर सकते हो. सो हाउ डू वी डू दिस, कैसे करते हैं. तो इससे पहले मैं आपको बताऊँ, लेट्स अंडरस्टैंड कि यार आपके दिमाग में जो आपकी गर्लफ्रेंड की, लेट्स से टॉक अबाउट द गर्लफ्रेंड ओनली, राइट. लड़के मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, राइट.
तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. जब भी आप किसी लड़की से मिलते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो व्हाट डू यू डू? आप एक मेमोरीज फॉर्म कर रहे हो, राइट? और एज पर NLP देर आर 5 ways जिससे आप अपनी मेमोरी बनाते हो अपने दिमाग में. 5 तरीके से मेमोरीज बनती. अरे आपको नहीं पता होगा तो अब पता लग जाएगा. सो वो कौन कौन से तरीके हैं जो दिमाग में जिससे मेमोरी रजिस्टर होती है? नंबर 1, साइट. जब आप किसी लड़की को देखते हो, राइट, आंखों में आपने देखा और एकदम दिमाग में रजिस्टर हो गई, राइट, फिर आप लड़कों को बताना शुरू करते हो, अभी देख वो तेरी भाभी है, आई लव हर मैन, यू नो आई लव द वे शी लुक्स एट मी, राइट. तो जैसे आपने देखा आपके दिमाग में एक पिक्चर रजिस्टर हो गई. देन साउंड. फिर लड़की ने आपसे कुछ पूछा कि हे कैन यू टेल मी वे टू गो दिस, कि आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ पे, एनीथिंग व्हाट शी सेज, कोई भी आप उससे बात करोगे आपकी वॉइस आपके दिमाग में रजिस्टर होगी, राइट. वॉइस से भी आप मेमोरी बनाते हो, द वे शी सिंग्स, द वे शी टॉक्स, जैसे वो बात करती हैं, राइट. थर्ड इज टच, फीलिंग्स. जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ हैंडशेक किया, जिस तरीके से आपको टच करती हैं, राइट, यू नो, जिस तरीके से आप हाथ में हाथ पकड़ के घूमते हो, कुछ भी करते हो, टच, फीलिंग्स, राइट, उससे भी एक मेमोरी बन जाती है. याद आता ना कि कभी कभी कि यार हम कैसे एक दूसरे के साथ, यू नो, बीच पे कहीं घूमते थे, कॉलेज में घूमते थे हाथों में हाथ पकड़ के. यू थिंक अबाउट दैट टच, राइट. फोर्थ, स्मेल. अरे यार वो कौन सा परफ्यूम लगाती थी यार, या जैसे कोई किसी और लड़की ने परफ्यूम लगाया आपको पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ गई, अरे यार वही परफ्यूम लगाती थी. तो एकदम स्मेल भी आपके दिमाग में मेमोरी बनी हुई है, इमीडिएटली आपको उसी जोन में लेके जाती. थिंक अबाउट इट, जैसे अगर आप 3rd standard में थे जब, और आपकी एक मैथ्स टीचर आपको मैथ्स पढ़ाती थी और वो एक तरीके का परफ्यूम यूज़ करती थी, राइट. तो जब आप कॉलेज में गए और आपके प्रोफेसर, कोई लेडी प्रोफेसर आई और उन्होंने वही परफ्यूम लगा रखा हो, तो आपको क्या दिमाग में आएगा? एकदम से आपको इमीडिएटली आप 3rd standard में चले जाओगे, अरे यार मेरी मैथ्स टीचर भी यही परफ्यूम लगाती थी. दैट्स हाउ यू मेक एक मेमोरी बना ली, और वो स्मेल से आप वापस उसी मेमोरी में चले गए जो आप 3rd standard में आपकी मैथ्स टीचर की थी. सो स्मेल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी थी. गानों में, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई गाना बचपन में आप सुनते आ रहे हो, राइट, और सडनली जब आप गाड़ी में जा रहे हो आफ्टर 10-15 years, वो गाना दोबारा आपके, वो गाना रेडियो पे बजना शुरू हो गया, अगेन आपके दिमाग में आया कि जब मैं बचपन में ये गाना सुना करता था, राइट. तो मेमोरी, राइट. देन इज टेस्ट, कि अगर आप कॉलेज में हो, हॉस्टल में पढ़ रहे हो, राइट, और सडनली आपको, आप मेस का खाना खा रहे हो, लेकिन आपको याद आता है घर का, माँ के हाथ का खाना. अब घर में कोई खाना बन रहा है, राइट, अब मेस में कभी कभी खाना इतना अच्छा बन जाता है कि आपको इमीडिएटली टेस्ट आपके माँ के घर का याद आ जाता है. सो इमीडिएटली आपको क्या फील हो रहा है कि जब भी कोई खाना मिलता जुलता वैसा ही जैसे आपकी माँ का हाथ का होता है, आपको इमीडिएटली उन्हीं दिनों में रहता है जब आप छोटे थे, जब आप वो खाना खाते थे. तो मेमोरीज अगेन 5 तरीके से दिमाग में बनती. जब आप देखते हो किसी लड़की को, देखा दिमाग में रजिस्टर, उसने कुछ बोला, साउंड, दिमाग में रजिस्टर, टच, फीलिंग्स, हाथ पकड़ा, दिमाग में रजिस्टर, जिस तरीके से वो स्मेल करती हैं, दिमाग में रजिस्टर, मेमोरीज, राइट, और टेस्ट, जिस तरीके से इट कुड बी किस फॉर दैट मैटर, राइट, टेस्ट, दिमाग में रजिस्टर. तो ये सारी चीज़ें आपने ना दिमाग में आपकी मेमोरी बन गई, राइट. अब बात करते हैं ब्रेकअप की. अब ब्रेकअप व्हाट एग्जैक्टली इट इज, इट्स एन इमोशन. थिंक ऑफ ब्रेकअप एज एन हैंगओवर, राइट. जब आप रात को दारू पीते हो, कई लोग अल्कोहल पीते होंगे, राइट, तो जब आप सुबह उठते हो तो क्या होता है, एक हैंगओवर होता है. इट्स वेरी फिजियोलॉजिकल, विच मीन्स कि हैंगओवर से भी अगर आप अच्छी रेमेडी लो, अच्छा ट्रीटमेंट लो, थोड़े दिनों बाद, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है. सिमिलरली कोई भी लाइफ का इमोशन है ना, थोड़े देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है, एंड ब्रेकअप इज वन ऑफ देम. पॉइंट इज कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप उसको कितना जल्दी उस इमोशन से बाहर आते हो, राइट. लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो सारी मेमोरीज है ना, जब ब्रेकअप की बारी आती है ना, हम सिर्फ गुड पार्ट में ढूंढते हैं. अब मेमोरीज को भी ना गुड और बैड में डिवाइड कर दो, जिस तरीके से लेट्स से साइट. अब गुड बैड में, अब आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे ब्रेकअप कर लिया और आप रो रहे हो, आप इमोशनल हो, पता क्यों रो रहे हो? बिकॉज अभी आपको सारी उसकी गुड पार्ट याद आ रहा है उस मेमोरी का. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल साइट, यार मुझे आई लव द वे शी लुक्ड एट मी, याद है ना, यार मुझे ऐसा लगता है, मुझे मज़ा आता है, बहुत आई जस्ट टू फील दैट लव की जिस तरीके से वो मुझे देखती थी यार. साउंड, यार क्या जिस तरीके से वो बात करती थी, जिस तरीके से मेरे से यू नो बातें करती थी, मुझे वो बहुत मिस होता है. यू लव दिस ऑल द गुड मेमोरीज, राइट. टच, फीलिंग्स, यार जिस तरीके से वो मुझे टच करती थी, आई यूज टू फील लव कि कितना मेरे को प्यार करती है वो, राइट. आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें रजिस्टर हो रखी हैं, राइट. स्मेल, या मैं जब भी उसके पास जाता था, शी यूज टू स्मेल सो गुड, और टेस्ट, यू नो, शी वॉज अ ग्रेट किसर. अब ये सारी गुड मेमोरीज हैं. अब यही गुड मेमोरीज आपको ब्रेकअप से बाहर नहीं आने देती, बिकॉज जब भी आप बाहर आने की कोशिश करते हो, ये गुड आपको रोक लेती है. बिकॉज वॉट इज दिस इज प्लेजर, राइट, कि यार क्या पता मुझे ऐसी लड़की दोबारा मिले ना मिले.
दिस इज़ ऑल सो गुड. जिस तरीके से मुझे देखती थी, मेरे से बात करती थी, शी वॉज सच अ ग्रेट किसर, इतनी अच्छी स्मेल थी, वो कभी मुझे ऐसी लड़की मिल ही नहीं सकती. तो आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया, तो आप पागल हो गए, इमोशनल हो गया, आपने दोबारा फ़ोन करना शुरू कर दिया, प्लीज़ डोंट लीव मी, प्लीज़ डोंट लीव मी, प्लीज़ डोंट लीव मी. लेकिन वो तो चली गई ना, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपने गुड मेमोरीज में अपने दिमाग में जगह बना रखी है. मैं आपको क्या कह रहा हूँ इसका सोल्यूशन, थिंक ऑफ ऑल द बैड थिंग्स, गुड मत सोचो, बिकॉज यू हैव टू मूव आउट, बिकॉज लड़की ने तो ब्रेकअप कर लिया आपसे, राइट, आपके पार्टनर ने तो ब्रेकअप कर लिया. यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल द बैड वंस नाउ, बिकॉज अब आपको प्लेजर की तरफ से पेन की तरफ जाना है. अब आपको ये सोचना है कि यार इस लड़की ने मुझे कितना पेन दिया लाइफ में, इस पर्सन ने, अब बिकॉज उसने मुझे इतना पेन दिया है, मेरी लाइफ कितनी अच्छी होगी बिकॉज मेरी लाइफ में पेन ही नहीं है. तो उसी मेमोरीज में, जैसे साइट, पहले आप सोचते थे कि यार किस तरीके से वो मेरी तरफ देखती थी, आई लव्ड इट. अब आप सोचोगे यार वो तो मुझे हमेशा इग्नोर करती थी यार, मैं जब भी उसको देखता था, और ऐसी मोमेंट्स हुई होंगी. ये नहीं मैं कह रहा कि आप इमेजिन करो, ऐसा होता है यार, हर रिलेशनशिप में होता है, राइट. साउंड यार, वो इतना बोलती थी, हर इतना बोलती थी, मेरे को तो कभी सुनती नहीं थी यार, जब देखो उसकी टेप चलती रहती थी, नेवर हर्ड मी यार, कभी उसने मेरे को सुना ही नहीं आज तक कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. टच फीलिंग्स, पता नहीं जब भी मुझे टच करती थी, मुझे कभी प्यार वाली फीलिंग नहीं, मुझे लगता था कि सिर्फ एक तरफा प्यार है, कि सिर्फ मैं ही उसको प्यार करता हूँ यार, पता नहीं क्यों फीलिंग ही नहीं है मुझे ऐसी उसको लेके, राइट. स्मेल यार, कभी कभी तो यू नो शी यूज़ टू स्मेल सो बैड, कि एक बैड ब्रेथ उसकी, यू नो, पता नहीं, मैं तो सब कुछ इग्नोर कर रहा था बिकॉज आई वॉज सो मच इन लव, बट यार देयर वॉज बैड ब्रेथ इज वेल. टेस्ट यार, क्या बोलूँ इसको, तो किस करनी भी नहीं आती. दीज आर सर्टन थिंग्स जो आपको माइंड पेन की तरफ लेके जाने की, यार मुझे, आई डोंट वॉन्ट थिंक अबाउट द गुड थिंग्स, आई वॉन्ट थिंक अबाउट द बैड थिंग्स. सो जब आप इस बैड जोन में आ जाओगे ना, कि आप उसको सारी चीज़ें आपको उसके बारे में बुरी लगनी शुरू हो जाएंगी, और ये आपको विजुलाइज करना है, आपको दिमाग में इनग्रेन करना है हर 15 मिनट में अपने आप को, कि भाई थिंक ऑफ ऑल द बैड थिंग्स, कितना पेन दिया उसने मुझे यार, कितना पेन दिया उसने मुझे यार. और हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, हमेशा गुड सोचते हैं, कितनी अच्छी थी यार, द वे शी यूज़ टू लुक एट मी. जब आप अच्छा सोचोगे तो इस रिलेशनशिप से बाहर कैसे आओगे यार, आ ही नहीं सकते. और जितना सोचोगे अच्छा, उतना ही आप उतने डीप चलते जाओगे उस रिलेशनशिप में, और वो तो चली गई आपको जहाँ उसको जाना था, छोड़ के आपको चली गई, आप मूव ऑन कर नहीं पाओगे. अगर मूव ऑन करते करोगे भी तो बहुत 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 देर, बहुत टाइम लगेगा आपको, और आप जो भी चीज़ें कर रहे हो साइड में, कुछ भी नहीं होगा. इसीलिए फोकस ऑन द बैड, जितने आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए उससे, जितने यू नो थिंग्स नॉट वर्किंग आउट, कि मुझे, मेरे लिए तो आई एम श्योर देयर इज अ बेटर पर्सन वेटिंग फॉर मी यार, आई एम श्योर इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा. थिंक ऑफ ऑल द बैड, उसकी एक मेमोरी बनाओ, और एक मेमोरी बनाओ कि यार आप में जो आपको एक पार्टनर चाहिए, एक आइडियल पार्टनर, उसके दिमाग में एक पिक्चर बना लो, कि आई वॉन्ट हर टू लुक लाइक दिस, वो ऐसी होनी चाहिए, यू नो शी शुड टेक केयर ऑफ मी, आई शुड टेक केयर ऑफ हर, वी शुड हैंग आउट, ये वो. एंड मैडम से, जो आप, जिसने आपके साथ ब्रेकअप किया, इससे बिल्कुल मूव अवे होने के लिए उसकी सारी बैड मेमोरीज एक बॉक्स में, कि जब भी आपको उसकी याद आए, थिंक ऑफ ऑल द बैड थिंग्स, ऑल द बैड थिंग्स. एंड व्हेनेवर यू वांट टू थिंक फील बीइंग इन लव्ड, कि आपको लगे कि यार मुझे प्यार में, आई वॉन्ट टू फॉल लव अगेन, थिंक ऑफ द नेक्स्ट पर्सन यू वांट टू फॉल लव, कि आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए. हम उल्टा करते हैं हर बारी, हम रिलेशनशिप से बाहर से नहीं आ पाते, क्योंकि हमारा जो पार्टनर होता है, जो हमें छोड़ के चला जाता है ना, हम उसकी अच्छी चीज़ें सोचते रहते हैं सारे, वो कैसी थी, वो कैसा था, हमेशा अच्छा था, मेरा ध्यान रखती थी, रखता था. नहीं भाई, चला गया, वो नहीं वापस आने वाला. अब जितना अच्छा सोचोगे और उतना बुरा होगा आपके साथ. सो यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल द बैड थिंग्स अपने दिमाग में, कि इट डिडंट वर्क आउट, टू बैड यार, लेट्स मूव ऑन. नहीं काम करा, लेट्स मूव ऑन. हर 15 मिनट में यही थॉट. और ये जब आपके थॉट दिमाग में रजिस्टर हो गई, बिकॉज आप तो मेमोरीज आप रजिस्टर करे जा रहे हो, ये भी चीज़ें तो मेमोरी रजिस्टर करी है ना अपने दिमाग में. सो जब ये भी रजिस्टर होना स्टार्ट हो गया ना, तो मूविंग ऑन विल बिकम लाइक दिस. बिकॉज तब क्या होगा, आपके दिमाग में एक एंकर बन जाएगा. जब भी किसी गलत चीज़ के बारे में आप सोचोगे ना, कि वो ऐसी थी, इग्नोर करने की, तो इमीडिएटली आप उस पार्टनर के बारे में सोचोगे. जब भी आप सोचोगे कि यार ये लड़की बहुत बोलती है, लड़का बहुत बोलता है, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, इमीडिएटली यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर एक्स, कि आई एम सो ग्लैड कि यार इट डिडंट वर्क आउट. बस यही करना, फोकस ऑन द पेन, कि उसने आपको कितना पेन दिया. डोंट फोकस ऑन द प्लेजर, कि मेरी ज़िंदगी स्वर्ग थी, हेवन थी उसके साथ, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी, आई कुड हैव डन इट बेटर. दैट्स द ओनली वे टू गेट ओवर अ ब्रेकअप इन 15 मिनट्स. डोंट फोकस ऑन द गुड, फोकस ऑन द बैड. बस यही है, तभी यही मैंने अपनी लाइफ में भी इंटीग्रेट करा, यू नो, कि
चाहे वो लूजिंग अ पेरेंट हो, चाहे वो लूजिंग रिलेशनशिप्स, कुछ भी हो, बिकॉज यू हैव टू थिंक ऑफ पॉजिटिविटी कि अगर कुछ चीज़ काम नहीं करी, आई एम श्योर देयर समथिंग बेटर कमिंग योर वे, राइट? लेकिन डू नॉट थिंक ऑफ ऑल द गुड फॉर दैट पर्सन जिसने आपको छोड़ा, बिकॉज इट वर्क आउट, राइट? थिंक ऑफ ऑल द बैड. यही लाइफ है, यही आपको आगे लेके जाएगी फ्रॉम बींग इन अ पोजिशन कि आप इतने इमोशनल हो टू बींग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विद योर माइंड. तभी मैं कहता हूँ ना, माइंड की कंडीशनिंग होनी बहुत ज़रूरी है. आपको पता भी नहीं होंगी चीज़ें, राइट? यही मैं सिखाता हूँ अपने 27 डे ट्रांसफॉर्मेशन में कि आप अपना माइंड स्ट्रांग करो, इतना स्ट्रांग करो कि चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, लोग हों, कोई हो, इट शुड नॉट अफेक्ट यू. कुछ भी आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप और आपका गोल कि आपको लाइफ में क्या करना है. दैट इज़ इट गाइस. सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. अगर आपको भी ट्रांसफॉर्म होना अपने माइंड के साथ, बॉडी के साथ, नंबर आपकी स्क्रीन पर, फ़ोन करो. वन आर मेक यू सो स्ट्रांग विद ऑल दीज थिंग्स, चाहे आपका एडिक्शन हो, चाहे गेटिंग ओवर अ ब्रेकअप, ये सब, यू विल बी सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट्स. तो मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में.